नमस्कार, एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल दोष की और जानेंगे कि मंगल दोष का सच आखिर क्या है। क्या ये इतना खराब दोष है कि अगर मंगली से नॉन मंगली की शादी करा दी जाए तो दूसरा मर सकता है? क्या ये इतना खराब दोष है जिसकी वजह से शादी करना ही खतरनाक हो जाता है? आखिर क्या है मंगल दोष का सच, आज आपको ये बताएंगे। देखिए, मंगल को ज्योतिष में रिश्तों का मालिक मानते हैं और जो भावनाओं को आगे बढ़ा देता है, भावनाओं को एक्सेलरेट करता है, तेज करता है, उसका मालिक होता है मंगल। रिश्तों को शुभ बनाने में भी मंगल की बड़ी भूमिका होती है कि कौन सा रिश्ता जीवन में कितना शुभ होगा, उसके पीछे मंगल होता है। अब कुंडली में अगर मंगल लग्न में बैठ जाए, पहले खाने में बैठे, चौथे खाने में बैठे, सातवें में बैठे, आठवें में बैठे या कुंडली के सबसे अंतिम बारहवें खाने में बैठे, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। कहते हैं कि ये कुंडली मंगली है। लेकिन मैं बता दूं कि कुंडली के मंगली होने से बड़े सारे फायदे भी होते हैं और हर बार मंगल बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो लग्न में बैठा हुआ मंगल है, पहले खाने में बैठा हुआ मंगल है, वो सबसे ज्यादा बुरा होता है। उसके बाद जो कुंडली के अष्टम का मंगल है, अष्टम भाव का मंगल है, वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। लेकिन चौथे खाने का, सातवें खाने का और बारहवें खाने का मंगल इतना ज्यादा बुरा नहीं होता। और मंगल दोष वाली लड़की से मान लिया किसी लड़के ने शादी कर ली, लड़के की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि लड़का मर जाएगा। या लड़की में नहीं है, लड़के में मंगल दोष है तो लड़की मर जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। उसके लिए बहुत सारी और भी वजहें होती हैं, बड़े सारे और ग्रह भी होते हैं, तभी किसी के मरने जीने की नौबत आती है। मंगल दोष अकेले जीने मरने का काम नहीं करता। अगर मान लिया कुंडली में मंगल दोष है जिस वजह से शादी होने में देरी हो रही है, तो उसको बेहतर करिए ताकि मंगल दोष बैलेंस हो जाए और आपकी शादी हो जाए। उसका तरीका यह है कि लाल रंग के आसन पर बैठ के रोज सुबह 108 बार ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जप किया जाए 3 से 6 महीने तक, तो मंगल दोष की वजह से अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो दोष दूर हो जाएगा। और मान लिया शादी हो गई, कोई मंगली है कोई नहीं है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो उसका उपाय यह है कि मंगलवार को व्रत रखा जाए। और मंगलवार को व्रत रखने के अलावा शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाया जाए और दीपक जलाने के बाद सुंदर कांड का पाठ किया जाए। ऐसा करने से जो मंगल दोष वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे रहा है वो दूर हो जाएगा। एक समस्या और है, लोग कहते हैं कि अगर कोई आदमी मंगलिक है तो पेड़ से शादी करा दो, घड़े से शादी करा दो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पेड़ से शादी करेंगे, पेड़ आपसे शादी नहीं करेगा, ना घड़ा आपसे शादी करेगा। तो ये सब करना बंद कीजिए। अगर ज्यादा ही समस्या है मंगल दोष से, आपको लग रहा है कि मामला खतरनाक हो सकता है और शादी भी करनी है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए और हनुमान जी की भक्ति कीजिए, उससे इसका प्रभाव खत्म होगा। ये पेड़ से शादी करने से, घड़े से शादी करने से इसका कोई प्रभाव खत्म नहीं होता। और दूसरा ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको लग ही रहा है कि मंगल दोष बहुत बुरा है, तो फेरे 2 बार कर लीजिए, एक बार शादी के समय और उसके 1 महीने के बाद किसी शुभ मुहूर्त को देख के फिर से फेरे कर लीजिए, 2 बार फेरे कर लीजिए। लेकिन करिए इंसान के साथ ही, ये जानवर के साथ शादी करना, पेड़ पौधे से शादी करना, ये न तो शास्त्र सम्मत है और न ही इसके पीछे कोई तर्क है, कोई आधार है। तो आज हमने बात की मंगल दोष के सच के बारे में। फिर हाजिर होंगे किसी रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।